हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फॉर चैनल। और आज हम हैं पचमढ़ी में, इकलौता हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दो जगह, एक पांडव केव्स, जिसकी वजह से पचमढ़ी को पचमढ़ी नाम मिला। अब आप सोचेंगे कैसे, तो पच मतलब पांच और मरी मतलब गुफाएं, तो इनको मिलाकर बनता है पचमढ़ी। और जो दूसरी जगह है वो है हांडीखो, जो एक डीप वैली है। तो चलिए चलते हैं। हाय, सो अभी हम आए पांडव केव्स। इट्स अ गार्डन जहाँ पे देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स, मतलब यहाँ पे गार्डन पे आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ प्लेस विच इज कॉल्ड अ पांडव केव, सो दे आर मल्टीपल थियरीज बिहाइंड इट। समा सेइंग वहाँ पे पांडवाज आए थे, इनके स्टेड हियर फॉर सम टाइम, इसलिए पांडव केव नाम रखा हुआ है। एंड द अदर थियरी इज कॉन्ट्रोवर्सिंग इट सेइंग वहाँ पे पाँच केव थी विच डिपिक्ट पांडव, विच इज़ फाइव, इसके वजह से वहाँ पे पांडव केव नाम रखा गया था उसका। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज पांडव केव्स। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, इफ आई गॉट टू नो आई विल लेट यू नो। पांडव केव वाला ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फूल पौधे हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आ सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के रोजेज, यू शुड विजिट दिस प्लेस टू सी दिस ब्यूटी। बाकी यहाँ पे हट भी है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आराम कर सकते हो। और ये गार्डन को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन किया है, जो इसकी खूबसूरती और बढ़ाता है। इफ यू सी ये गार्डन प्रॉपरली से सजा के रखा हुआ है, दिस इज़ अ पाथवे एंड ये हट है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। इवन यू कैन सी डिफरेंट वेराइटी ऑफ कैक्टसेस हियर। इतना बड़ा कैक्टस तो मैंने लाइफ में कभी तक नहीं दिखा था। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इट इज, बट दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। गार्डन से आगे बढ़ते ही आपको बड़े बड़े सैंडस्टोन दिखेंगे जिसके अंदर ये गुफाएं बनाई गई हैं। वैसे देखने में ये दूर से ही काफ़ी खूबसूरत लगती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इस जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती गई। किसी ने बताया नहीं, बस यहाँ पे लिखा मिला तो पढ़ के बता रहे आपको। एंड यस, ये तो कंफर्म हो गया भाई कि पांडव यहाँ पे आए थे जब वो 13 साल के वनवास पे थे। तो फैक्ट चेक्स गाइस, पांडव यहाँ पे आए थे 5वीं, 6वीं, 4वीं, 5वीं शताब्दी में, और दे हैव स्पेंड सम टाइम हियर। आई हैव जस्ट कंफर्म्ड, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो दिस इज वन ऑफ द गुफा। एंड वन मोर फैक्ट, बेस्ड ऑन दिस पांच गुफाज, पांच केव्स, पचमढ़ी हैज़ गॉट हिज नेम। पचमढ़ी मीन्स फाइव केव्स, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट यू मस्ट नो। बाकी ये केव्स कुछ ऐसी है, तो ये पूरा जो काम है वो एक बड़े से पत्थर के एंड ऑफ में बना हुआ है। इट्स रेत वाले जो पत्थर होते ना, उस टाइप का पहाड़ है। आई थिंक ये सेकेंड गुफा है। यहाँ पे अंदर एक पत्थर रखा हुआ है, पूजा का स्थल बना दिया। बाकी ये गुफा ऐसी है, सो जैसे कि लिखा गया ये 3 नंबर की गुफा है। यस यस, और यहाँ से फिर से एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बाद फिर से यहाँ पे लॉक्ड कुछ गुफाएं हैं। आई थिंक यहाँ पे अच्छा घर टाइप्स कुछ काव किया हुआ है। ओके, और जैसे मैंने वहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे फोर्थ और थर्ड नंबर वाली गुफा पे देर इज ओल्ड लेटरिंग, मतलब लेटर्स लिखे हुए, और एक फिफ्थ वन मस्ट बी फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे लोगों ने पैसे क्यों डाले हुए? तो यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है, वो भी मैं दिखूँगा। और यहाँ से जो पूरे गार्डन का व्यू दिख रहा है, इट इज़ रियली नाइस। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा।
ये वापस श्राप देते यहाँ से और ऊपर है तो ये गुफा का छत काइंड ऑफ एंशिएंट ब्रिक स्ट्रक्चर इट्स अवर नेशनल हेरिटेज प्लीज डू नॉट वर्क ऑन इट ओके नाउ आई एम एट द टॉप एक्चुअली वी बोथ आर एट द टॉप आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे इतना कुछ नहीं है बस लोग यहाँ पे आके फोटोज खिंचा रहे हैं सो अपार्ट फ्रॉम दैट द वन थिंग आई वुड लाइक टू शो यू इज द गार्डन हाउ इट इज लुकिंग फ्रॉम टॉप इट्स ब्यूटिफुल राइट यू माइट फाइंड इट ब्यूटिफुल बट लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट दिस प्लेस एंड दिस फैक्ट चेकर दैट आई टोल्ड यू कि पंचमढ़ी का नाम इस फाइव पांडव की गुफा से पड़ा है लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस तो फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए ज्योति हांडी को जैसे कि मैंने बताया ये एक डीप वैली है और इसी के साथ ये इको पॉइंट भी है तो हांडी को ये पॉइंट पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे यू कैन टेक राइड हॉर्स राइड भी कर सकते हो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस और आई गेस वहाँ पे टेलीस्कोप भी अवेलेबल है सो द स्पेशलिटी अबाउट दिस हांडीखो पॉइंट वॉज इट एन इको पॉइंट तो इसके पहले भी और एक इको पॉइंट था तेरा नाम क्या होता टिकट हम लोग तो प्रियदर्शनी सो देयर इज वन प्रियदर्शनी एज वेल और उसको छोड़ के ये हांडीखो इको पॉइंट ही है लेट्स ट्राई समथिंग पकड़ आता है क्या आप इको तो विसल सुना आपने सो दैट्स व्हाट इट इज इतना है थोड़ी देर के लिए आ सकते हो कुछ खाना है खा सकते हो चीज़ें बहुत महंगी है और बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइब क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो